बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उसके हवाले से हम वन बाय वन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर एक लेक्चर में एक मुकम्मल जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जाता है। हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है सोशियोलॉजी। इसका एक मुकम्मल जो एक टॉपिक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फौजदारी इंसाफ का हसूल, कि पाकिस्तानी जो सिस्टम है इसमें इंसाफ का तरीका का क्या है, कैसे मिलता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन सोशल कंट्रोल से रिलेटेड है। उसी का ये अगला पार्ट है। जो पिछला इसका पार्ट था वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोशल कंट्रोल के हवाले से। तो सोशल कंट्रोल में ही आता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि जो पाकिस्तान में सिस्टम है ये वर्क कैसे चलता है और इसमें मेन चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि हमें ये पता हो कि सोशल जस्टिस सिस्टम कहते किसको हैं। द सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ टू अपहोल्ड सोशल कंट्रोल, स्टॉप क्राइम, टू पनिश वायलेटर ऑफ लॉ एंड टू मेक रिहैबिलिटेशन एफर्ट। इसमें उसने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं। उसने लिखा है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसको कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट मुख्तलिफ टास्क, मुख्तलिफ प्रैक्टिस, मुख्तलिफ अदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, सोशल कंट्रोल करने के लिए, माशरे में क्राइम को रोकने के लिए, जो लोग क्राइम करते हैं उनको सजा देने के लिए। और सिर्फ इधर तक ही नहीं है, अगला स्टेप जो इसने शामिल किया है, इसने कहा है रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन एफर्ट, कि उसको हमने माशरे की तरफ वापस भी लेके आना है। किसको? जिस बंदे ने वो क्राइम कमिट किया है। मतलब ये है कि हम सोशियोलॉजी के हवाले से ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने माशरे में जराइम को रोकना कैसे है, स्टॉप कैसे करना है, जो बंदा जराइम कर रहा है उसको सज़ा कैसे देनी है, और उसके बाद उसको सोसाइटी की तरफ वापस कैसे लेके आना है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसी को वो कहता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आगे इसकी आती है एक्सप्लेनेशन के हवाले से कि इसमें कौन कौन सी फेजेज हैं, इसके पिलर्स मेन कौन कौन से हैं, इसके बुनियादी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और ये कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है, इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है थ्री फेजेज इसके कौन कौन से हैं, कि कौन सी ऐसी तीन फेजेज हैं जिसकी बेस पे जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो चलता है। तो थ्री फेजेज है इसमें। वो कहता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन्हीं तीन फेजेज की बुनियाद पर चलता है। नंबर वन, इन्वेस्टिगेशन बाई पुलिस, ट्रायल बाई क्रिमिनल कोर्ट्स एंड एग्जीक्यूशन बाई जेल अथॉरिटीज। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, नंबर फर्स्ट पे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी मामले को, उसकी तह तक पहुंचना है कि असल में मामला है क्या, असल में मैटर हुआ क्या है। नंबर टू पे ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट्स, नंबर टू ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स, और नंबर थ्री पे है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन बाय कोर्ट्स या एग्जीक्यूशन बाई जेल अथॉरिटीज। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में मेन वो कहता है तीन फेसेस आती हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना कि हम कर क्या रहे हैं, हम माशरे में क्राइम को रोकना है, क्राइम में जो बंदा कमिट कर रहा है उसको सजा देनी है, उसको रिहैबिलिटेशन यानी कि उसको वापस सोसाइटी में कारामंद बंदा बनाना है, कि वो अब जराइम की दुनिया छोड़ के एक सोसाइटी में एक मददगार, एक हेल्पफुल आदमी का किरदार अदा करे। अब वो कहता है कि सबसे पहले जो मेन स्टेप इसमें आता है वो इन्वेस्टिगेशन आती है, और इन्वेस्टिगेशन की बात जब भी होती है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है पुलिस इन्वॉल्व होती है। हमारा आईओ जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होता है। किसी भी मामला का, चाहे वो चोरी का मामला है, वो रेप का मामला है, वो झूठ का मामला है, प्रॉपर्टी का केस है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मर्डर हो गया, किसी भी किस्म का मामला है, तो सबसे पहले वो कहता है इसमें स्टेप जो आएगा वो इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो इन्वेस्टिगेशन करेगी हमारी पुलिस। उसके बाद अगला काम आता है ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट। पुलिस ने क्या किया है, एक मामला है उसके पास, डकैती का आया है या मर्डर का आया है, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट तैयार करके आगे कोर्ट में पेश कर दी है। अब वो कहते हैं कोर्ट में एक ट्रायल चलेगा, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग है उसकी, कि पहले वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वहाँ से विटनेस है उनका बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, सारा सिस्टम जो कहता है वो ट्रायल उसको बोलते हैं। और इसमें मुख्तलिफ जो केसेज हैं क्राइम के हिसाब से इनका ट्रायल मुख्तलिफ होता है। ट्रायल चलने के बाद वो कहता है कि या तो उस बंदे को सज़ा मिल जाती है या वो बंदा बरी हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, केस अभी चल रहा है, उस बंदे ने बेल करवा लिया, जमानत करवा लिया, तो वो एक अलग मैटर है, केस साथ साथ चलता रहता है। जब केस की फाइनल जजमेंट आती है, फाइनल डिसीजन आता है,
तो उसके बाद पता चलता है कि उस बंदे को सज़ा देनी है या उस बंदे को बरी कर दिया गया है। अगर तो उस बंदे को बरी कर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि उसमें जो हमने जेल अथॉरिटीज़ लिखा है इसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन अगर उस बंदे को सज़ा हो गई है जो जिस जो क्राइम है वो मुलव्वस था, तो वो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो बंदे को अरेस्ट करके वो उसको जेल में मुंतकिल कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये मेन तीन फेसिस हैं जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आती हैं। आगे इसी का अगला स्टेप उसने लिखा है थ्री पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, थ्री पिलर्स, कि वो कौन कौन से तीन मेन पिलर्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कहता है कि किसी भी जो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको प्रोसीजर जो है वो तीन उसमें सिस्टम आता है। इन्वेस्टिगेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टिगेट किसने करना है, इन्वेस्टिगेट सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने करना होता है। सेकंड भी वो कहता है प्रोसिक्यूशन आता है। प्रोसिक्यूशन क्या है, इसका असर क्या है कि किसी भी किस्म का जो मामला है वो प्रेजेंट आगे कर रहे हैं तो उसके वहाँ पर जो हमारे वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है जो उसके मददगार हैं, जो हेल्पफुल हैं, वो पुलिस की उस मामले में हेल्प करते हैं किसी भी कंप्लेंट के हवाले से, किसी भी एप्लीकेशन के हवाले से, और वो मामले को आगे पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर वो कहता है कि ट्रायल चलता है। अब वो ट्रायल जब तक चलेगा वो बंदा जो है वो मुजरम है, वो मुलजम है। जैसे ट्रायल ख़त्म होता है उसका फाइनल जजमेंट आती है, वो बंदा मुजरम बन जाता है। तो वो कहता है कि ये तीन पिलर हैं जिसको हम कह सकते हैं थ्री पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आगे मेन चीज़ इसमें आती है तीन कंपोनेंट्स, मेन जो है हमारा वो है इसमें कि तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं और उन तीनों कंपोनेंट्स का किरदार क्या है। वो तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड क्रिमिनल कोर्ट, थ्री फेसिस, थ्री पिलर्स एंड थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड नंबर एक इन्वेस्टिगेशन। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं जो किसी भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है। सबसे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन का मामला को थोड़ा सा डिस्कस किया कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस ने, कहीं पे कोई मर्डर हो गया है, चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, कि वारदात हो गया, तो जाए वकूआ पे सबसे पहले जो पहुँचता है वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, वो है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस का आग का मुतलका थाने का बंदा वहाँ पर जाता है और वो जाके वहाँ पर कुछ उसके ज़िम्मे कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो काम करता है। आगे प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये वो बंदा है जो अदालत यानी कि जो जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट है उसके उनके और जो एक क्राइम है क्रिमिनल जिस बंदे ने किया उनके दरमियान में एक मिडल मैन है। इसने क्या करना है, पुलिस वाले ने जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है इस बंदे की हेल्प के साथ तैयार करनी है और आगे इसने फॉरवर्ड कर देना है कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में वो प्रेजेंट कर देनी है। इसी बंदे ने इसको वो तमाम गलतियां बतानी हैं जो इन्होंने रिपोर्ट में की हैं, इसने उसको वेरीफाई करना है, उसकी करेक्शन करनी है, इसने उसको तरीका बताना है कि जो जो चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होनी है, वो आगे कोर्ट में प्रोसीड हो जाती है। उसके बाद उसका बकायदा जो इधर हमने लिखा है ट्रायल, उसका ट्रायल चलता है। उस ट्रायल चलने के बाद या तो उसको जेल अथॉरिटी वाले पकड़ लेते हैं या वो बंदा बरी हो जाता है। तो वो कहता है ये तीन मेन चीज़ें हैं जो क्रिमिनल को पकड़ने से लेके तफ्तीश में मुलव्वस हैं, तफ्तीश के बाद उसको उस पर सेक्शन कौन सा लगना है, उसको सज़ा कितनी मिलनी है और क्या सिस्टम है उसमें, वो एंड तक एग्जीक्यूशन तक यही चीज़ें जो इसमें मुलव्वस हैं। आगे हम इसको वन बाई वन पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या किरदार अदा किया जाता है, प्रोसिक्यूशन में क्या किरदार अदा किया जाता है और क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या किरदार अदा किया जाता है। ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट्स, एग्जीक्यूशन बाय जेल अथॉरिटीज कोर्ट्स एंड एग्जीक्यूशन बाय जेल अथॉरिटीज। फर्स्ट पे हमने लिखा है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना, मायना करना, जायजा करना, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। अब वो कहता है जैसे हमने पहले भी बताया बात की है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ ये डिपार्टमेंट है जो जाके मौका पे जाए वकूआ पे पहुंचता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि असल में मामला हुआ। नंबर एक पे स्पोर्ट इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस एंड एविडेंस, फैक्ट्स यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मे काम होते हैं वो बंदा जो जाए पहुँचता है। सबसे पहले वो कहता है कि वो जाके स्पोर्ट इंस्पेक्शन करता है कि जिस जगह पे वारदात हुई है, जिस जगह पे मर्डर हुआ है, जिस जगह चोरी हुई है, डकैती हुई है,
कोई और किस्म का कोई रेप का केस है या कोई और मामला है, किसी भी किस्म की वो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो वो किस जगह पे हुई है, सबसे पहले वो जाकर वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी चीज़ का, उसकी सराउंडिंग का, वहाँ के लोगों का तमाम सिस्टम जो है उसको जायज़ा लेना है। उसने फैक्ट्स और सर्कमस्टांस उनको अच्छी तरह से उनका मायना करना है कि असल में मामला हुआ क्या है, उसको कॉल पर क्या बात बताई गई है, और उसको मोहल्ले के लोग वो क्या बता रहे हैं, जिस पार्टी के साथ जुर्म हुआ, जिस पार्टी के साथ क्राइम हुआ, वो पार्टी उसको क्या बता रही है, उसने क्या करना है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना है। उसने एविडेंस कलेक्ट करके एविडेंस अब उसको जिस किस्म के वो मिलते हैं, उसने उसकी चाहे उसको अगर किसी को फायर लगा है तो गोली का उसको बुलेट का खोल मिलता है, अगर कोई किसी किस्म का रेप का केस है वहाँ से उसको कोई एविडेंस मिलता है, या कोई और मामला है, कोई शराब नोशी का कोई और मामला है, तो वो कहता है उसने वहाँ से तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं और उसको एज इट इज़ उसने कोर्ट में पेश करना है, क्वार्ड स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस के मौके पे जो मौजूद थे। आई विटनेस कहते हैं वो गवाह जिसने वो वकूआ अपनी आंखों से देखा हो, उनके रिकॉर्ड, उनके नाम, उनके आईडी कार्ड नंबर वगैरह जो भी ज़रूरी डिटेल उसको चाहिए कि कोर्ट के वाले से वो ज़रूरी समझे, वो तमाम चीज़ें वो कलेक्ट करेगा, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, चाहे वो रिटर्न एविडेंस है, चाहे वो कोई उसके पास कोई पेज है, कोई पेपर है, कोई गोली है, उसका कोई खोल है या कोई और चीज़ है, एविडेंस कलेक्ट करके वो उनके विटनेस के बयान रिकॉर्ड करके वो अपनी तफ्तीश को स्टार्ट कर देगा। ये वो काम है जो एक आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है जो उसके ज़िम्मे है, जिसको हम तफ्तीशी बोलते हैं, वो ये चीज़ें कलेक्ट करके आगे वो क्या करता है, वो रिपोर्ट, वो सारा सिस्टम जो है, वो FIR वगैरह करके वो मामला आगे हैंड ओवर कर देता है। सेकेंड पे इसमें जो चीज़ आती है वो आता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन एक लिखी है, प्रोसिक्यूशन इज़ द एजेंसी डैट इज़ टू एवेल्यूएट द एविडेंस। एजेंसी प्रोसिक्यूशन इज़ द एजेंसी डैट एवेल्यूएट द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय पुलिस। पुलिस जो एविडेंस प्रोवाइड कर रही है उसको वैल्यूएट किसने करना है, उसको वैल्यूएट करना है प्रोसिक्यूशन ने। अब कहता है इसने तमाम चीज़ें जो पुलिस वाले ने प्रोवाइड की हैं उनको जांचना है, उसकी पड़ताल करनी है, क्या ये चीज़ें ठीक है, इसने जिस तरह किया, इसने रिपोर्ट तैयार किया वो रिपोर्ट ठीक है, इसने कोई गलत बयानी तो नहीं की, इसने खुद से तो कोई एडिशन वगैरह नहीं कर दी। वो तमाम चीज़ें यानी कि जब वो वैल्यूएट करेगा वो तमाम चीज़ें देखेगा कि हमारा कानून, हमारा लॉ, हमारी PPC क्या कहती है, क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी थी इसने जैव कुआ से, क्या इसने वो तमाम चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, इसने नेग्लिजेंसी तो नहीं दिखाई, वो तमाम काम जो है वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन करता है। नंबर एक पे उसने इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट काम है वो लिख दिए हैं, सिक्योरिटी ऑफ चालान। पुलिस वाले जब मुजरम को अरेस्ट करेंगे वो उसका एक चालान बनाएंगे जो वो जाकर मजिस्ट्रेट के सामने या वो जस्टिस के सामने, कोर्ट के सामने वो प्रेजेंट करते हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन वो बनता है। प्रोसिक्यूशन असल में हम बात कर रहे हैं सरकारी वकील की, जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील होता है। आपको पता है कि ये बकायदा एक गजटेड पोस्ट है, 17 स्केल से ये स्टार्ट होती है और आगे फिर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर पूरे एरिया का, फिर वो सारा सिस्टम ऊपर तक जाता है। तो वो कहता है कि जो मेन है वो इसी के ज़िम्मे ये काम करने होते हैं कि जी इसने पुलिस वाले ने रिपोर्ट पेश की है, इसने उसमें से गलतियाँ निकाल के उसकी इसने सिक्योरिटी करके चलान वगैरह को एवेल्यूएट करके इसने आगे प्रेजेंट कर देता होता है। तो वो कहता है कि पहले नंबर पे जो चलान है इसकी सिक्योरिटी करता है, इसकी जांच पड़ताल करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ केस। सेकंड पे वो क्या करता है, सिक्योरिटी करने के बाद वो केस को आगे प्रेजेंट कर देता है, प्रेजेंटेशन ऑफ केस, उसी केस को वो वेरीफाई करके चीज़ें कलेक्ट करके वो उस केस को मजिस्ट्रेट के सामने या जज साहब के सामने प्रेजेंट कर देता है। तीसरे में वो कहता है क्लेम्स ऑफ डिफेंस। ये तीसरे नंबर पर जो काम करता है क्लेम्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस का दावा। जाहिर सी बात है कि एक बंदा जिसको एक पार्टी है उसको किसी भी जुर्म में इन्वॉल्व कर रही है, तो उस बंदे का काम है कि वो अपने केस को डिफेंड करे। अब वो क्या करता है, वो भी वकील हायर करता है, उसने भी अपना बताना है कि ये काम मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैंने ये काम नहीं किया। तो वो कहता है क्लेम ऑफ डिफेंस, जो प्रोसिक्यूशन यानी कि
पुलिस वाले ने जो एविडेंस जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, इसने उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको डिफेंड करना है कि ये काम इसी ने किया है। अब ये जो काम स्टेट की तरफ से भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन स्टेट की तरफ से भी हो सकता है, कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें मदई जो है वो स्टेट बन जाए तो इसने तमाम काम जो है वो स्टेट की तरफ से अंजाम देना है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिसमें मदई जो है, बल्कि मोस्टली होता ही है कि मदई मौजूद होता है, तो वो कहता है कि उस मामले में इसने सिर्फ हेल्प करनी है, इसने वो चीज़ें बतानी है, वो पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प इसने करनी है, इसने उस मदई की हेल्प नहीं करनी, ना इसने जो मुजरम है उसकी हेल्प करनी है, जो मुजरम है उसकी हेल्प करनी है, इसने पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प करनी है। ये जज और पुलिस के दरमियान एक मिडल मैन का किरदार अदा करता है। पुलिस से डाटा कलेक्ट किया, रिपोर्ट ली, उसको वेरीफाई किया और आगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जज साहब के सामने उस डाटा को प्रेजेंट कर दिया, उस केस को प्रेजेंट कर दिया, आगे उसकी प्रोसीडिंग में ये शामिल होता है। आगे वो कहता है प्रोविजन ऑफ लॉ, अगला काम इसने क्या करना है, प्रोविजन ऑफ लॉ, कानूनी दफात, यानी कि जो क्राइम कमिट हुआ है, जो जुर्म हुआ है, उस जुर्म पे हमारा पीपीसी का कौन सा सेक्शन लगता है, उस मुजरम पे, उस मुलजम पे, मुजरम नहीं हम उसको मुलजम कहेंगे, उस मुलजम पे कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, ये भी प्रोसिक्यूशन ने बताना होता है उस रिपोर्ट में कि इस बंदे ने ये काम किया है, इसने चोरी की है, सुना किया है, मर्डर किया है, शराब है, जो कि और मामला है, किसी फ्रॉड में मुलवस है, तो वो कहता है कि उस पर जो कानून जो है उसका जो सेक्शन लगना है, उसकी जो दफ़ा लगनी है, वो भी प्रोसिक्यूशन ने बतानी होती है। आ गया रिमूवल ऑफ लैक्यूना, नेक्स्ट पॉइंट इसका रिमूवल, लैक्यूना, लैक्यूना क्या है, कमी, डेफिशिएंसी, कोई भी कमी, कोई भी खला, कोई भी इनकम्प्लीट चीज़, उसको कम्प्लीट इसी ने करना है, प्रोसिक्यूशन ने करना है कि एक मुकम्मल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के जो जो तकाजे हैं वो पूरे करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एविडेंस कौन कौन से चाहिए, विटनेस किस किस विटनेस का बयान रिकॉर्ड करवाना है वो, और उसके साथ साथ वो बाकी तमाम चीज़ें जो एक जुर्म होने के बाद से लेके एंड तक जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती, वो तमाम चीज़ें जो पूरी करनी है वो किसने करनी है, वो करनी है पूरी प्रोसिक्यूशन ने। ये इसका सेकंड स्टेप था प्रोसिक्यूशन का, पहला स्टेप था पुलिस। अगर तीसरे नंबर पे हमने लिखा है क्रिमिनल कोर्ट्स, कि क्रिमिनल कोर्ट का क्या किरदार है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स इज़ टू इनिशिएट प्रोसीडिंग आफ्टर अ चार्ज हैव बीन ड्रॉन अप, क्रिमिनल कोर्ट इज़ टू इनिशिएट प्रोसीडिंग, वो कहता है कि हमारा सबसे पहले काम क्या किया है, एक क्राइम, एक जुर्म हो गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका सपोर्ट इंस्पेक्शन, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, असल में हकीकत में मामला क्या हुआ है, मुजरम किधर से आया है, किस साइड को गया है, कितने बंदे थे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं, और जो हमारे आई विटनेस हैं उनका बयान वगैरह भी रिकॉर्ड हो गया है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कर दिया है, जो जो केस में चीज़ें हेल्पफुल चाहिए थी वो चीज़ें तमाम उसने तैयार करके एक मुकम्मल फाइल बना दी है कि ये एक जुर्म था, इसमें ये बंदे इन्वॉल्व हैं, ये बंदे हैं, इन पर ये सेक्शन लगना चाहिए और इस जुर्म की ये सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो तमाम फाइल, तमाम चीज़ें तैयार होने के बाद वो कोर्ट में पहुंच जाती है, उस कोर्ट को हम कह रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से। तो वो कहता है कि वहाँ पर जब कोर्ट में वो फाइल पहुँच जाती है तो आगे कोर्ट का काम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोर्ट का काम स्टार्ट होने के बाद, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद, पुलिस भी प्रॉपर इन टच रहेगी और जो प्रोसिक्यूशन भी प्रॉपर इन टच रहेगा, क्योंकि इसने तमाम जो जायब हुआ जाकर देखा है, इसने मौके की इन्वेस्टिगेशन की है, इसी ने स्टेटमेंट बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाए हैं और इसने इसकी मदद की है इस काम को तैयार करने में। आगे इसने केस प्रेजेंट कर दिया है जज साहब के सामने। अब जब तक ये फैसला ख़त्म नहीं होता, जब तक यानी कि इसकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहती है, ये जो प्रोसिक्यूशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ये तमाम तब तक इस मामले में इन्वॉल्व रहेंगे। ये नहीं है कि ये केस प्रेजेंट करके अपने काम से बरी जिम्मा हो गया, जब तक वो केस चलेगा ये इन टच रहेंगे। इसके बाद वो कहता है कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब कोर्ट का प्रोसीजर में कहता है कि नंबर एक पे क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसीडिंग, अदालत अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। अब कार्रवाई कैसे स्टार्ट करती है कि सबसे पहले जो मुजरम, जिस मुलजम जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आई है कि इस बंदे ने खिलाफ उसकी FIR हुई है, उसका चलान हुआ है, उसने ये काम किया है, वो इस काम में मुलवस रहा है, तो कोर्ट अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है। इसमें वो कहता है कि अब कोर्ट का अपना ट्रायल पीरियड है, अपना एक लिमिटेशन है, उसके साथ वो स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट वो कहता है इंफॉर्मेशन टू अक्यूज्ड, मुलजम के लिए मालूमात, अक्यूज्ड कहते हैं मुलजम को,
इस पॉइंट में वो क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टू अक्यूज्ड, मुलजम वो बंदा जिस बंदे पे इधर इल्ज़ाम लगा था कि इसने ये क्राइम कमिट किया है। अब वो कहता है कि उस बंदे ने जो क्राइम कमिट किया है वो तमाम एविडेंस उसके ख़िलाफ़ जो जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो आई विटनेस ने बयान दिया है, असल में जो हकीकी हकायक है वहाँ पर जाए वकूगा पे वो क्या थे, प्रोसिक्यूशन ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिया है। अब जो प्रोसिक्यूशन ने रिपोर्ट तैयार किया है, जो जो मामला जो जो सेक्शन इसने लिखे हैं, इसने वो बताया है, वो किया है जो इसको इस बंदे ने आके बताया है। और ये बंदा कौन है, ये बंदा वो है आईओ ऑफिसर, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, हर पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, कहीं पे एसएचओ है, कहीं पे वो एएसआई है, जिसको भी वो चार्ज दे देता है, सब इंस्पेक्टर को चार्ज दे दे वो करता है। ये बंदा प्रोसिक्यूशन कभी भी जाके जाए वकूआ का इंस्पेक्शन नहीं करता, ये कभी भी जाके एविडेंस कलेक्ट नहीं करता, ये कभी भी जाके वहाँ पे आई विटनेस के बयान स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड नहीं करता। ये सिर्फ वही काम करेगा जो इसको आके इन्वेस्टिगेशन ने बता देना है और इसको आके दिखा देना है कि मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है, ये काम है, ये बंदा है, इस बंदे ने ये जुर्म किया है और आगे आपका मामला है, तो ये उस पर सेक्शन बताएगा, इस बंदे की क्या सज़ा बनती है, किस जुर्म में वो मुलव्वस है, रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में आ गई। अब कोर्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये कोर्ट का काम है कि वो जो मुलजम है जिस पे वो इल्ज़ाम लग रहा है, अक्यूज़ कहते हैं वो बंदा जिस पे इल्ज़ाम लगा है, जिसको उसको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। कौन सी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, उसको बताना है कि तुम पे इल्ज़ाम कौन सा लगा है, तुम पे जुर्म कौन सा लगा है, कि ये काम तुमने किया है, तुम्हारे खिलाफ़ एविडेंस कौन से हैं, तुम्हारे खिलाफ आई विटनेस कौन से हैं, वो तमाम चीज़ें वो कहता है जो ज़रूरी है, जो लगे कि इसको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। कानून ये नहीं है कि उसको सारा कुछ बता देने हैं, उसको सिर्फ ये बताना है चंद एक चीज़ें कि जुर्म क्या है, इसकी नौीयत क्या है और क्या क्या चीज़ें तुम्हारे खिलाफ़ जा रही हैं, कोई मेन चीज़ें बतानी हैं, सारी डिटेल नहीं उसको बताते वो, ठीक है। तो वो कहता है ये काम भी किसने करना है, क्रिमिनल कोर्ट ने उसको बताना है कि अब तुम्हारे ऊपर ये सिस्टम या प्रोसीडिंग है और ये स्टार्ट हुआ है। तीसरे नंबर पे वो कहता है कन्विक्शन आर एक्विटल, कन्विक्शन सजायाबी या बरीयत, के जिस बंदे को इल्ज़ाम लगा है, रिपोर्ट तैयार हुई है, जैसा आपके सामने पेश हो गई है, उस पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, अब वो रिपोर्ट है जो इल्ज़ाम लगा है वो झूठा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके ख़िलाफ़ गलत FIR करी है, उसके खिलाफ झूठे बयान आ गए, उसके खिलाफ़ प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है, प्रॉपर सबूत ही नहीं है, तो उसको सज़ा क्यों मिलेगी। तो वो कहता है फिर यहाँ तो वो बंदा वाजियाब हो सकता है, अगर ये तमाम चीज़ें सच्ची हैं तो जो सेक्शन इसने बताया है कि इस जुर्म का ये सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत उसको जो सज़ा मिलेगी वो कोर्ट जो है क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसको सज़ा दे देगी। ये इधर इसका था आखिरी पॉइंट कि यहाँ तो वो सज़ा उसको मिलेगी या वो बरी हो सकता है, अगर वो बरी हो गया तो ज़ाहिर सी बात है वो कहता है कि मेरे खिलाफ़ एविडेंस भी नहीं है, वो तमाम चीज़ें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है वो 2 माह चले, वो 4 माह चले, वो 10 साल चले, ये उनका अपना एक टाइम पीरियड है कि वो केस कब ख़त्म होता है, इसकी कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है। जब भी वो ट्रायल चल सकाते हैं, बहस होती है, उसके बाद वो मामला जो है वो या तो ख़त्म हो जाता है या फिर उसको सज़ा मिल जाती है। ये टॉपिक था हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी पार्टी क्या क्या किरदार अदा करती है, और कोर्ट का इसमें क्या किरदार है, प्रोसिक्यूशन का क्या किरदार है, और पुलिस का यानी कि इन्वेस्टिगेशन का इसमें क्या किरदार है, और ये इन्वेस्टिगेशन करता कौन है। बाकी इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा वो किसी और लेक्चर में उसको कवर करेंगे।